और आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 9th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर और उसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे सारे वीडियोस में रिपीटेडली हम आपको बता रहे हैं कि वन लाइनर क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि जब भी आपको मार्क्स स्कोर करना होगा 85, 90, 95 उसे भी ज़्यादा, तो उसके लिए वन मार्कर क्वेश्चन ही ऐसे क्वेश्चन है कि जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क ले सकते हो या तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क आप खो सकते हो। तो इसीलिए वो बहुत ही ज़रूरी है कि आप वन लाइनर वाले क्वेश्चन परफेक्ट करें। तो इसीलिए हमने 25 क्वेश्चंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी 25 क्वेश्चन का ये वीडियो बनाया हुआ है। तो इसी वीडियो को देखते देखते बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू विल बी एबल टू रिमेंबर 25 क्वेश्चंस व्हिच आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो CBSE में जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं, फाइनल एग्जाम्स में जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं, ऐसे 25 क्वेश्चंस जो है हमने यहाँ पर ढूंढ के निकाले हैं। तो बहुत सारे वीडियोस बनाने वाले हैं हम, बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले हैं। सो यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ बीइंग ए पार्ट ऑफ लक्ष्य। तो फ्रेंड्स, अभी हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 9th का चैप्टर 1। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि चैप्टर 1 कौन सा है, मैटर इन द सराउंडिंग। सो दैट इज़ अवर फर्स्ट चैप्टर। तो उसी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। हमारी पूरी टीम कंटिन्यूअस वर्क कर रही है ताकि आपके पास बेस्ट से बेस्ट चीज़ आ सके और कोई भी कंप्रोमाइज़ ना हो, पढ़ाने में कोई भी कंप्रोमाइज़ ना हो और आप इजीली सारी चीज़ें याद रख सके और बहुत ही इजीली आपको मार्क्स भी आ जाए, राइट। तो वी आर फोकसिंग ऑन ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड एजुटेनमेंट, राइट। दैट इज़ द जॉइंट ऑफ यू नो एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन। सो वी आर फोकसिंग ऑन एजुटेनमेंट। ओके फ्रेंड्स, सो यू नो यू कैन सी द नेम ऑफ द चैप्टर हियर, इट इज़ मैटर इन द सराउंडिंग्स, राइट, चैप्टर नंबर 1। ओके, सो एज यू कैन सी यू नो द डायग्राम ऑल्सो हियर, राइट, दैट सेज साइंस मैटर्स। ओके, सो साइंस इज़ समथिंग विच विल ऑलवेज मैटर इन योर लाइफ, बिकॉज यू नो साइंस इज़ नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, इट इज़ नॉट जस्ट कनेक्टिंग विथ यू नो ग्रैबिंग मार्क्स, बट इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विथ योर रूटीन लाइफ, योर डेली लाइफ, बिकॉज यू नो मेनी थिंग्स विच आर रिलेटेड टू द साइंस, कॉमन सेंस आर यूजफुल इन द रूटीन लाइफ, इन द डेली लाइफ। सो दैट इज़ वाई यू नो साइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। नेम द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हमको पता है कि चैप्टर का नाम जो है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ दीज। तो हमको क्या बताना है यहाँ पे, कौन से 3 मैटर्स हैं, ओके, कौन से 3 स्टेट्स हैं मैटर के, और सभी के एग्जाम्पल भी हमको देने हैं, राइट। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आपको लगेगा कि इतना ईजी भी पूछा जाता है, तो आंसर है हाँ, इतना ईजी भी पूछा जाता है, वाई नॉट, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। सो मेनी अ टाइम्स दे आर आस्किंग दिस क्वेश्चन ऑल्सो। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जितना सिंपल है, आंसर भी उतना ही सिंपल है। फ्रेंड्स, आई होप आपको आंसर आता ही होगा। सो देर आर 3 स्टेट्स, यू नो यू कैन सी दैट ऑन द स्क्रीन नाउ, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दीज आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ पे आप देखते हो तीनों चीज़ें दिखाई हुई है। तो एग्जांपल कौन कौन से हैं इसके, तो जो सॉलिड का एग्जांपल है वो आइस ले सकते हो। सॉलिड के बहुत सारे एग्जांपल्स है, यू ऑलरेडी नो इट। सो आइस इज़ द एग्जांपल ऑफ सॉलिड। लिक्विड का एग्जांपल है वाटर, वाटर इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लिक्विड। एंड गैस का एग्जांपल है स्ट्रीम। ओके, तो ये 3 जो चीज़ है वो है 3 स्टेट ऑफ मैटर। तो हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है वो इसी तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में डिवाइडेड है और उसी के आसपास घूमता रहता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द 2 वेज इन विच फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड। तो वो कौन से 2 तरीके हैं जिससे हम फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर जो है, मतलब कि हमारे जो स्टेट है, जैसे आप बोल सकते हो कि सॉलिड है या फिर लिक्विड है या फिर गैस है, तो इनके स्टेट को हमको अगर बदलना है, हमको अगर चेंज करना है, सो व्हाट आर द 2 इम्पोर्टेंट वेज बाई विच वी कैन चेंज द यू नो फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर। मतलब कि हमको सॉलिड में से लिक्विड बनाना है या लिक्विड में से गैसियस स्टेट पे लाना है कोई भी सब्सटेंस को, तो कौन से 2 रास्ते हैं कि जिससे ये पॉसिबल है, दैट इज़ द क्वेश्चन। वेरी सिंपल। सो देर आर 2 ऑप्शंस एज यू कैन सी हियर इन द स्क्रीन, यू नो देर आर जस्ट 2 ऑप्शन बाई विच यू कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। 1 इज़ मेल्टिंग, वेरी सिंपल, राइट। वेन यू मेल्ट समथिंग, अगर कोई चीज़ सॉलिड है उसको आप मेल्ट करते हो तो वो लिक्विड बन जाती है, मेल्टिंग। एंड सेकेंड वन इज़ बॉइलिंग। ओके, बाई बॉइलिंग वॉट विल हैपन, यू नो द लिक्विड विल बी कन्वर्टेड इन टू द गैशियस सब्सटेंस। तो जब भी पानी बॉइल होता है तो आपको पता है कि कुछ स्ट्रीम है जो उससे बाहर निकलती है। तो मतलब कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग आर यू नो 2 प्रोसीजर्स बाई विच यू नो यू कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। आप स्टेट का मैटर चेंज कर सकते हो कौन सी 2 प्रोसेस से, मेल्टिंग से और बॉइलिंग से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd। एक्सप्लेन हाउ गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। तो गैसेस को कैसे लिक्विफाइड किया जा सकता है वो एक्सप्लेन करना है हमको,
मैंने जैसे आपको अभी बताया कि अलग अलग प्रोसीजर्स हैं, अलग अलग प्रोसीजर है जिसकी वजह से और जिनके बेसिस के ऊपर आप जो है मैटर जो है उसको चेंज कर सकते हो, राइट। उसका मतलब क्या है कि स्टेट ऑफ मैटर जो है, मतलब कि वो सॉलिड है तो उसको आप लिक्विड बना सकते हो, लिक्विड है उसको गैस बना सकते हो। तो ऐसी अलग अलग चीज़ें हो सकती है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव भी हो गया है कि ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ पे हमको गैस को लिक्विफाई करना है, तो गैस तो है, गैसियस सब्सटेंस है, उसको लिक्विफाई करना है। तो ये कैसे कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर और बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। फ्रेंड्स, गैस जो होता है या फिर गैसियस सब्सटेंस जो होते हैं उसमें दो एटम्स के बीच में बहुत सारी जगह होती है, आपको पता ही होगा, क्योंकि जो गैस है वो एटमॉस्फेयर में पूरा फैला हुआ है। तो उसको अगर आप प्रेशराइज़ करके कोई छोटी जगह पे उसको फिट करने की ट्राई करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू इंक्रीज देयर प्रेशर। तो आपको प्रेशर करके उसको बंद करना पड़ेगा, जैसे कि LPG CNG आप कर रहे हो तो आपको पता ही है, तो उसमें प्रेशर करके गैस को भरा जाता है, उसको उसमें फिल किया जाता है। सो बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर गैस कैन बी लिक्विफाइड, उसको लिक्विफाइड किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पे। सो डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, दैट इज़ द क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारे हर एक वीडियो में मैं आपको 3 से 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूँ। तो उसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है कि डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये ऐसे क्वेश्चन है फ्रेंड कि जो 1 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं या 2 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये 110% पूछे जाएंगे। तो ये आपको याद रखना ही रखना है, नो मैटर वॉट, आपको ये एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ, आपको पूरा का पूरा समझ के याद रखना ही है इसको। तो अभी देखते हैं कि क्या है इसका आंसर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का। सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड, अभी हमको क्या चाहिए, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। तो 1 किलोग्राम के सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो भी हमको एटमोस्फियरिक प्रेशर चाहिए, जो हीट एनर्जी चाहिए, राइट, तो उसको बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, राइट। तो जब भी कोई सॉलिड होगा, जैसे कि 1 किलोग्राम का सॉलिड कोई भी ले लो, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है, उसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर। तो जितनी हीट चाहिए उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऐसा ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें बोला गया है डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मतलब कि अभी हमने देखा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, तो जब भी सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं इसको, और जब भी लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है, दोनों चीज़ें पूरी की पूरी डिफरेंट है, राइट। एक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, जो 24th 25th क्वेश्चन है वो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखते हैं हमेशा। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू द गैस और इनटू द वेपर, ओके, सो विदाउट एनी चेंज इन द टेम्परेचर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि हीट एनर्जी चाहिए हमको किसके लिए, 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड सब्सटेंस जो है उसको कन्वर्ट करना है लिक्विड सब्सटेंस में। कहाँ पे कन्वर्ट करना है, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे कन्वर्ट करते थे हम, ठीक है ना, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे कन्वर्ट करते थे। तो यहाँ पे हम कहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, उसके बॉइलिंग पॉइंट में, क्योंकि लिक्विड जो है वो बॉइल होता है और जो सॉलिड था वो क्या होता था, मेल्ट होता था, सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बनता था, यहाँ पे लिक्विड बॉइल होकर गैस बन रहा है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6, वॉट प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। ओके, तो बर्न्स जो होते हैं, कई बार आप सुनते हैं न्यूज़ में कि बर्न्स हो गए या फिर कहीं पे आग लग गई और उसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो गई, कुछ चल गए, तो कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो ज़्यादा सीवियर बर्न्स जो है वो प्रोड्यूस करेगी, क्या वो बॉइलिंग वाटर है या वो स्टीम है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। सी फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन कॉमन लगेगा लेकिन इसका आंसर बिल्कुल ईजी नहीं है, बिल्कुल कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो है स्टीम, बॉइलिंग वाटर नहीं है। तो बॉइलिंग वाटर से ज़्यादा बर्न कौन प्रोड्यूस कर सकता है, स्टीम प्रोड्यूस कर सकती है। दैट मीन्स हियर अवर आंसर इज स्टीम। विच अ थिंग कैन प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न्स, अवर आंसर इज स्टीम। ये क्वेश्चन कई बार ब्लिंक्स में भी पूछा जाता है, इसको कन्वर्ट करके हमने क्वेश्चन बनाया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ज़्यादा सीवियर बर्न्स कहाँ पे होगी,
जहाँ पे भी स्टीम होती है तो वहाँ पे होगी, आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जांपल में। जैसे ही ये चाय का कप आपको याद रहेगा तो आपका आंसर आपको पक्का याद रहने वाला है। तो इसलिए हम आपके लिए हो सके इतना ईजी बनाते हैं, ट्रिकी बनाते हैं, तो आप कभी भूलें ना, जब भी आपने हमारा वीडियो देखा है तो आप भूलेंगे नहीं इस आंसर को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ कैन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड बी रेज्ड विदाउट एडिंग एनी इम्प्योरिटी। तो हमको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ना। बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का ऐसा है मतलब कि कोई भी लिक्विड को जब भी आप हीट देंगे, उसको गर्म करेंगे, तो जिस टेम्परेचर पे, जिस पॉइंट पे वो वेपर कन्वर्ट होता है उसको बोला जाता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो अभी बॉइलिंग पॉइंट को अगर हमको इंक्रीज करना है, मतलब कि लिक्विड जो है वो वेपर नहीं बननी चाहिए, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ करना है हमको, तो कैसे उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है, लेकिन कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं करनी है, दैट इज़ द कंडीशन। तो यहाँ पे हमारा आंसर है बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ द लिक्विड। फ्रेंड्स सारी की सारी गेम है ना जो ये चैप्टर की, फर्स्ट चैप्टर की, वो सिर्फ दो ही चीज़ों के ऊपर गोल गोल घूम रही है। एक जो है वो है टेम्परेचर और दूसरा जो है वो है प्रेशर। अभी यहाँ पे हमको बोला है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करना है, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है हमको। तो क्या कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करना है तो टेम्परेचर में तो कुछ कर नहीं सकते, तो क्या इंक्रीज़ कर सकते हैं, वी कैन इंक्रीज द प्रेशर। द आंसर इज़ प्रेटी सिंपल, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ द लिक्विड यू नो इट्स बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज़। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा अगर प्रेशर जो है वो ज़्यादा हुआ तो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इन हाउ मेनी फॉर्म्स डिड अर्लियर साइंटिस्ट क्लासीफाई द मैटर। तो अभी हमको पता है कि मैटर का क्लासिफिकेशन कौन सा है, तीन टाइप के मैटर्स है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, हमने एग्जांपल भी देखे, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ही था वो। तो पहले जो था, पहले साइंटिस्ट ने, जो साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने कितने डिफरेंट अलग अलग फॉर्म्स में मैटर्स को क्लासीफाई किया था, दिस इज़ द क्वेश्चन। तो ये थोड़ा हिस्ट्री का क्वेश्चन भी आप गिन सकते हो या फिर साइंस का भी थोड़ा ले सकते हो। तो ये भी ऐसा क्वेश्चन है कि कभी कभी एक मार्क में पूछा जाता है या एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, तो उसमें ऑल ऑफ दीज आंसर आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो पहले का जो क्लासिफिकेशन था वो कौन सा है फ्रेंड्स, एयर, अर्थ, फायर एंड वाटर। तो पहले जब भी क्लासिफिकेशन हुआ था मैटर्स का, जब भी क्लासिफिकेशन हुआ था, तो उसको तीन पार्ट में क्लासीफाई नहीं किया गया था। उनको कितने पार्ट में क्लासीफाई किया गया था फ्रेंड्स, चार पार्ट्स में। सो दे वर क्लासिफाइड इन फोर डिफरेंट पार्ट्स। तो कौन से है ये डिफरेंट पार्ट्स, फर्स्ट इज एयर, सेकंड इज अर्थ, थर्ड वन इज फायर एंड लास्ट वन इज वाटर। ठीक है, तो अर्थ, फायर, एयर एंड वाटर, ये चार चीज़ें हैं कि जिसको यू नो क्लासीफाई किया गया था अर्लियर डेज में, साइंटिस्ट ने ऐसा किया था। चलिए देखते हैं, आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ए ड्रॉप ऑफ डेटोल यू नो गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वाटर। मतलब कि पानी के अंदर, अगर पानी की बाल्टी आप पूरी फिल कर रहे हो उसको, उसके अंदर सिर्फ एक ड्रॉप आपने डेटोल का डाल दिया, तो क्या होगा कि वो इवनली स्प्रेड हो जाता है। इवनली स्प्रेड हो जाता है उसका मतलब क्या, कि वो पूरे पानी में फैल जाएगा, है ना। वो सिर्फ एक ही साइड नहीं रहेगा या सबसे नीचे या सबसे ऊपर नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, इवनली स्प्रेड, मतलब कि वाटर में सभी जगह पे वो स्प्रेड हो जाएगा, है ना। तो ये इवनली स्प्रेड मतलब कि बहुत ही सिस्टमेटिकली स्प्रेड कैसे हो जाता है, दैट इज़ द क्वेश्चन, वेरी साइंटिफिक क्वेश्चन। तो आंसर भी साइंटिफिक ही होना चाहिए। इसमें स्टूडेंट्स बहुत ही नॉन प्रोफेशनल आंसर लिखते हैं, जो सिक्स और सेवन वाले स्टूडेंट्स लिखते हैं ऐसे टाइप के, तो ऐसा नहीं करना है आपको। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, देर इज़ इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर एंड पार्टिकल्स ऑफ डेटोल। तो क्या होता है, जब भी डेटोल को डाला जाता है, डेटोल का ड्रॉप पानी के अंदर डाला जाता है, तो होता ये है कि पानी में अपने पार्टिकल्स के बीच में एटम्स, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं पानी के, उसके बीच में बहुत जगह है, है ना। आप देख सकते हो डायग्राम ऑलरेडी दी हुई है आपकी बुक में। ऐसे ही जो डेटोल है वो भी वाटर है, तो उसमें भी क्या है, वो भी लिक्विड है, तो उसमें भी बहुत सारी जगह होती है, इसीलिए वो इवनली स्प्रेड हो जाता है क्योंकि उसके पास बहुत जगह है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज ऑफ गैस कैन यू पॉइंट टू सपोर्ट द एजम्पशन दैट मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम इन अ गैस इज एम्प्टी स्पेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया फ्रेंड्स, मैं आपको सिंपली बता दूँ, गैस की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे आप बोल सकते हो कि गैस का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो खाली होता है, है ना। तो गैसियस सब्सटेंस की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे आप बोल सकते हो कि गैसियस जो सब्सटेंस होता है उनके बीच में बहुत ही सारी जगह होती है ना। तो कैसे बोल सकते हो आप, कंप्रेसिबिलिटी से। इसका मतलब क्या हुआ
कि गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। अभी कंप्रेस किया जा सकता है उसका मतलब क्या हुआ कि उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही दूर दूर है ना, उसका मतलब जब भी उसको कंप्रेस किया जाएगा, उसको प्रेशराइज किया जाएगा तो वो छोटी जगह में भी आ जाएगा। वैसे आप सॉलिड को बहुत ही कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि सॉलिड को आप अगर कंप्रेस करना चाहेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। क्यों ब्रेक हो जाएगा? क्योंकि उसके जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, गैसियस सब्सटेंस में वो बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो कंप्रेसिबिलिटी की वजह से आप बोल सकते हो कि उसको प्रेशर करके उसको बहुत ही छोटी साइज में कन्वर्ट किया जा सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ यूनिट सेल? तो फ्रेंड, सेल की डेफिनेशन अलग अलग जगह पे अलग अलग आती है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं केमिस्ट्री, तो बायोलॉजी अगर होता तो मैं आपको बता देता कि सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक, इट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे जो सेल की बात हो रही है वो हो रही है फिज़िक्स की, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पे अभी कर रहे हैं फिज़िक्स। तो हम देखेंगे कि सॉरी हम कर रहे हैं केमिस्ट्री। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक यूनिट सेल है वो क्या है, राइट? तो एज़ पर द केमिस्ट्री, व्हाट इज़ द यूनिट सेल? तो एक सेल जो होता है वो क्या होता है एज़ पर द केमिस्ट्री। अभी बेसिक इसे सेम है, बायोलॉजी में भी सेल मतलब कि स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर था, यहाँ पे भी सेल मतलब स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल, क्रिस्टल लेटाइस आपको इसको बोल सकते हो। कई बार आप अपने रेफ्रिजरेटर में या आइसिंग में देखते हो कि बहुत ही छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, है ना, तो आइसिंग के बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वो जो सबसे छोटा होता है उसको बोला जाता है सेल। सो स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लेटाइस, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लेटाइस विच डिफाइंस कम्प्लीटली द रिपीटिंग पैटर्न इन द क्रिस्टल। तो वो रिपीटिंग पैटर्न को क्लियरली डिफाइन करता है। तो बहुत ही छोटा सा एक क्रिस्टल आपने देख लिया तो उसमें जैसी पैटर्न है वैसी ही पैटर्न हमेशा रिपीट होती जाएगी, तो उसको बोला जाता है सेल। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन सरफेस टेंशन ऑफ टेम्परेचर? मतलब कि जो सरफेस टेंशन है उसको क्या इफेक्ट होगा टेम्परेचर अगर इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं तो। मैंने जैसे बोला था फ्रेंड्स कि तीन या चार क्वेश्चंस मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट दूंगा, तो ये भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है कि जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि सरफेस टेंशन क्या है। तो जो भी ऊपर का सरफेस होता है, जैसे लिक्विड का सबसे ऊपर का सरफेस आप देख लो, तो ये जो ऊपर का सरफेस है उसके ऊपर जो एटमोसफियर का प्रेशर होता है आप उसको बोल सकते हो सरफेस टेंशन। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो उसकी क्या इफ़ेक्ट होगी? तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो सरफेस टेंशन क्या होगा? डिक्रीज़ होगा, राइट? तो आपको याद रखना है यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है, सरफेस टेंशन डिक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज होगा सरफेस टेंशन विल डिक्रीज, सरफेस टेंशन विल डिक्रीज विथ द राइज इन टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हो सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा, फिर से मैं आपको लास्ट टाइम बता दूं वो डिक्रीज होगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स वी आर ऑलमोस्ट ऑन द हाफ वे ऑफ अवर वीडियो। तो मैंने जो बताया था आपको कि छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं, तो वी आर ऑलमोस्ट ऑन द हाफ वे, वी आर ऑन 13th क्वेश्चन नाउ, 25 क्वेश्चंस आर देयर इन टोटल। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर समथिंग टू बी कॉल्ड मैटर? किसी चीज़ को हमको बोलना है मैटर तो उसके लिए कौन सी कंडीशंस है? तो फ्रेंड्स ये तो हमने आपको बोनस दे दिया। बोनस का मतलब क्या है कि आप एक एक मार्क वाले क्वेश्चन प्रिपेयर कर ले हो, हमने दो बीच में दो दो मार्क वाले क्वेश्चन भी ऐड कर दिए। तो ये क्वेश्चन जो है वो बेसिकली दो मार्क वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो मार्क में ये क्वेश्चन आता ही आता है, यू मस्ट रिमेंबर दिस क्वेश्चन। तो हमको बोलना है कि किसी चीज़ को मैटर बोले जाने के लिए उसकी कंडीशंस क्या है। तो व्हाट इज़ द फर्स्ट कंडीशन फ्रेंड्स? इट शुड हैव मास। उसमें क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए। आपको पता है सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में मास होता है। सेकेंड वन, इट शुड ऑक्यूपाई स्पेस। तो वो क्या ऑक्यूपाई करना चाहिए? स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि लैपटॉप देख लो, मोबाइल देख लो, पानी देख लो, वो सभी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करती है। एंड लास्ट वन, इट शुड हैव इंटरमोलेक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलेक्यूलर का मतलब क्या हुआ? जो उसके बीच मोलेक्यूल्स है उसके बीच का जो फोर्स है वो फोर्स कैसा होना चाहिए? अट्रैक्शन वाला फोर्स, क्योंकि तो ही वो चीज़ जॉइंट होकर एक दूसरे के साथ रहेगी। अगर लिक्विड में जो अंदर मोलिक्यूल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो वो लिक्विड क्या है? बिखर जाएगा। तो वो ऐसा नहीं हो सकता। तो अट्रैक्टिवनेस होनी चाहिए कहाँ पे? इंटरमोलेक्यूलर स्पेस में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा है। विच सिंगल टर्म इज़ यूज टू डिस्क्राइब द मिक्सिंग ऑफ कॉपर सल्फेट एंड वाटर विच इज़ केप्ट इन द बीकर ऑन इट्स ओन?
तो ये जो है वो थोड़ा एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है, तो एक्सपेरिमेंट आपके बुक में दिया है उसके ऊपर से बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो कौन सी ऐसी टर्म है जो यूज़ होती है, ये ब्लिंक में क्वेश्चन पूछा जाता है या वन वर्ड आंसर में पूछा जाता है, तो कौन सी टर्म यूज़ होगी कॉपर सल्फेट और वाटर अपने आप जो मिक्स होते हैं उसको डिफाइन करने के लिए। सो द आंसर हियर इज़ द मिक्सिंग ऑफ कॉपर सल्फेट एंड वाटर विच इज़ केप्ट इन द बीकर, ओके, व्हेन इट इज़ गेटिंग मिक्स्ड ऑन इट्स ओन, अपने आप वो दोनों मिक्स हो जाते हैं। क्या मिक्स हो जाता है? कॉपर सल्फेट एंड वाटर। तो इसको क्या बोला जाता है? डिफ्यूजन। आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम यहाँ पे नीरव सर ने एडजस्ट करके दिया है आपके लिए। तो आप देख सकते हो कि जो कॉपर सल्फेट है उसके बीच में वाटर के मोलिक्यूल है, तो वो अंदर या बाहर निकलते रहते हैं, अलग अलग जगह पर जाते रहते हैं। प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन। याद रखना है आपको दोनों चीज़ याद रखनी है, कॉपर सल्फेट और वाटर, दो चीज़ की बात कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट एंड वाटर। व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ पार्टिकल्स विच मेक अप द मैटर? तो वो पार्टिकल्स जो हैं जो मैटर्स बनाते हैं उनका साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है ना? तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है। अगर आपको इसका एग्जैक्ट आंसर पता नहीं है तो वो ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया कि आप एक मार्क जो है वो लूज़ करने वाले हैं, आपका एक मार्क जो है वो जाने वाला है। तो यहाँ पे पूछा गया है साइंटिफिक नेम ऑफ द पार्टिकल्स विच मेक अप द मैटर, मतलब कि मैटर को जो बनाते हैं वो पार्टिकल का साइंटिफिक नेम क्या है। चलिए देखते हैं इसका आंसर, व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। तो यहाँ पे आंसर है एटम्स एंड मोलिक्यूल्स। एटम्स एंड मोलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स फ्रेंड्स विच आर मेकिंग द मैटर। तो मैटर को जो बनाते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, उनका नाम क्या है फ्रेंड्स? एटम्स एंड मोलिक्यूल्स, राइट? तो आगे जैसे आप बढ़ोगे तो एटम्स के बारे में, मोलिक्यूल्स के बारे में बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे। अगर अनफॉर्चुनेटली आपने साइंस ले लिया तो आप एटम्स और मोलिक्यूल्स से बाहर ही नहीं निकलोगे, इतनी सारी चीज़ें आएंगी उसके बारे में। सो एटम्स एंड मोलिक्यूल्स दीज आर द बिग पार्टिकल्स विच आर मेकिंग द मैटर। यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ द एटम भी दिखाया गया है आपको एनिमेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द जनरल नेम? सी फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द जनरल नेम? कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम, अभी आपको पूछा गया था कि व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर, तो साइंटिफिक नेम क्या था उसका? एटम्स एंड मोलिक्यूल्स। यहाँ पे जनरल नेम पूछ रहे हैं, है ना? तो रिजिड फॉर्म जो है मैटर का उसका जनरल नेम क्या है? सेकंड क्वेश्चन है लिक्विड फॉर्म ऑफ मैटर उसका जनरल नेम क्या है? तो दोनों के जनरल नेम हमको बताने हैं, एक रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर, सेकंड दूसरा लिक्विड फॉर्म ऑफ मैटर, उसके जनरल नेम जो हम जनरली यूज़ करते हैं वो बताने हैं हमको। बहुत ही ईजी सिंपल क्वेश्चन है। तो रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर जो है उसको बोला जाता है सॉलिड, और लिक्विड फॉर्म ऑफ मैटर है उसको बोला जाता है लिक्विड। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि जब भी जनरल नेम्स पूछे जाएंगे तो आई एम वेरी श्योर कि आपको इसके आंसर आते ही होंगे, राइट? फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं अगर कि आपको रिपीट करने हैं तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो या फिर से रिपीट भी कर सकते हो। टाइम जनरली कम रहता है तो हम उतना ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करते, तो थोड़ा वीडियो में हम फास्ट ही जाते हैं, लेकिन आप रिपीट करके देख सकते हो। कुछ वीडियोज़ हम यूट्यूब में अपलोड भी करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे अभी पूछा है फुल नेम, राइट द फुल फॉर्म्स और फुल नेम्स ऑफ द फॉलोइंग, राइट? तो फुल फॉर्म्स या फुल नेम्स क्या है, कौन से नेम्स हैं किसके? एलपीजी के और सीएनजी के। तो फ्रेंड्स हमको अभी तो पता है एलपीजी और सीएनजी बहुत ही पॉपुलर हो गया, ऑटोज़ अभी अभी तो सीएनजी वाली ऑटोज़ आने लगी। एलपीजी वो गैस है कि जो हमारे घर पे होता है, तो उन दोनों का हमको फुल फॉर्म बताना है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ खास फोकस करनी है कि स्पेलिंग गलत ना हो जाए आपका, ठीक है ना? तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि स्पेलिंग भी गलत होना नहीं चाहिए और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसके आंसर्स। सो फर्स्ट वन इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कई बार स्टूडेंट लिखते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो दैट विल बी द रॉन्ग आंसर, उसमें कुछ मार्क मिलने वाले नहीं हैं। सेकंड इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो सीएनजी मींस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो सीएनजी वो है कि जिसमें गैस को कंप्रेस किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि गैसियस सब्सटेंस की एक जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है कंप्रेसिबिलिटी, उसको प्रेशर करके हम बहुत ही छोटी जगह पे उसको फिट कर सकते हैं, उसको अंदर डाल सकते हैं। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दीज आर द आंसर्स और दीज आर द फुल फॉर्म्स। चले देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18।
स्टेट टू फैक्टर्स ऑन विच द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड्स। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको 10 सेकंड्स देता हूँ इसका आंसर देने के लिए। कौन से दो फैक्टर्स है कि जो स्टेट ऑफ मैटर जो है डिपेंड करते हैं, है ना? तो स्टेट कौन सा होगा, सॉलिड, लिक्विड या गैस, वो कौन से दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया है ये, कम ऑन इफ यू रिमेंबर। बहुत ही इजी आंसर है, वो यही दो फैक्टर्स है कि जिसके आजू बाजू सारी चीज़ें घूमती रहती है। ये पूरे चैप्टर में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो कौन से दो फैक्टर्स हैं वो? तो फ्रेंड्स, ये दो फैक्टर्स हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट? तो यहाँ पे जो चीज़ है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों स्टेट ऑफ मैटर्स हैं, वो दो ही चीज़ों पे घूमते रहते हैं। कौन सी दो चीज़ें? वो एक है टेम्परेचर और दूसरा है प्रेशर, राइट? इसी के ऊपर से हमने वो लेटेंट हीट वाला भी एक क्वेश्चन किया था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो वो भी किया था हमने। मतलब कि जब भी सॉलिड को हमको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो एक किलोग्राम के लिए जो भी हीट चाहिए वो होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो वो टेम्परेचर से ही होता है। तो टेम्परेचर एंड प्रेशर आर टू मेन पॉइंट्स विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कौन कर सकता है? या टेम्परेचर या प्रेशर। ओके फ्रेंड्स, 19th क्वेश्चन नाउ। व्हाट इज मैटर? तो मैटर क्या होता है? ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटर? व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ मैटर? ओके फ्रेंड्स, आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो अभी आ रहा है, जो मैटर है बेसिक है वो फर्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए, लेकिन मेथड वो है कि पहले आपको पूरा का पूरा चीज़ अलग अलग तरह से हम दे देते हैं, फिर हम देखते हैं। तो बेसिक आपको ये बहुत ही ईजी लगेगा, व्हाट इज़ मैटर ये क्वेश्चन अभी आपको बहुत ही ईजी लगेगा। वैसे अभी तो आपकी कई बार एग्जाम्स भी ली जा चुकी है, तो ये चैप्टर ओवरऑल आपको ईजी रहेगा, बट स्टिल वी आर फोकसिंग मोर ऑन रिविजन, ताकि आपके कोई भी मार्क्स कट ना हो एग्जामिनेशन में। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। फर्स्ट, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ठीक है, इट हैज़ ए मास, इट इज़ कॉल्ड मैटर, राइट? तो दो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, सेकंड, इट हैज़ ए मास, तो इट इज़ कॉल्ड मैटर। इन अदर वर्ड्स, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड वॉल्यूम, इट इज़ कॉल्ड मैटर। तो जिसके पास मास भी है और वॉल्यूम भी है उसको बोला जाता है मैटर। तो बहुत ही सिंपल चीज़ हो गई फ्रेंड्स, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड वॉल्यूम, इट इज़ कॉल्ड मैटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद जस्ट फाइव मोर क्वेश्चंस नाउ। आउट ऑफ ड्राई एंड वेट एयर विच इज़ हैवियर? सो यू ऑलरेडी हैव एक्सपीरियंस ऑफ बोथ ऑफ द काइंड ऑफ एयर्स, ठीक है ना? कई बार ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो वो होती है वेट एयर, और कई बार बहुत ही ड्राई एटमोसफियर होता है, तो जहाँ पे ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं होती है। तो यहाँ पे बोला है कि कौन सी चीज़ हैवियर है, तो हैवी चीज़ जो है वो कौन सी है, यहाँ पे ऐसा आपको पूछ रहे हैं, राइट? कौन सी दो चीज़ में से? ड्राई एयर एंड वेट एयर। चलिए देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। आंसर वैसे बड़ा सिंपल है। सिंस वाटर वेपर्स आर हैवियर देन एयर, therefore wet air is heavier than dry air। फ्रेंड, ये भी हमारा बोनस क्वेश्चन है। बोनस क्वेश्चन का मतलब कि ये क्वेश्चन दो मार्क में भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना? तो अभी ड्राई एयर में तो सिर्फ एयर ही होती है, और वेट एयर में क्या होता है फ्रेंड्स? वेट कैसे होगी एयर? उसमें वाटर होगा, उसमें वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, वाटर वेपर्स होंगी, इसलिए तो वाटर तो ऑलरेडी ज़्यादा हैवी ही होता है एयर से, इसलिए जो वेट एयर है वो हमेशा ड्राई एयर से वो हैवियर ही रहेगी, राइट? तो यहाँ पे वेट जो है वो ज़्यादा हैवी रहेगी। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सब्सटेंस हैज़ ए डिफाइनाइट शेप एज वेल एज डिफाइनाइट वॉल्यूम। एक ऐसा सब्सटेंस है कि जिसके पास क्या है, बहुत ही डिफाइनाइट शेप है, उसका शेप जो है वो डिफाइंड है, ठीक है, एज वेल एज डिफाइनाइट वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम जो है वो भी परफेक्ट है, पर्टिकुलर है, मतलब कि डिफाइनाइट है, उसको डिफाइन किया है ऐसा है। विच फिजिकल स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस स्टेटमेंट? तो ऐसा कौन सा फिजिकल स्टेट है? हमारे तीन ऑप्शन है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो कौन सा ऐसा फिजिकल स्टेट है कि जो इस सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है? तो फ्रेंड्स, आंसर बहुत ही ईजी है, यहाँ पे आप देख सकते हो, आंसर इज सॉलिड। सो सॉलिड्स हैव अ डिफाइनाइट शेप एज वेल एज डिफाइनाइट वॉल्यूम। सॉलिड ऐसी चीज़ है कि जिसका शेप भी डिफाइंड है और उसका वॉल्यूम भी डिफाइंड है। कोई भी सॉलिड चीज़ आप ले लो, जैसे आप पेंसिल ले लो जो आपके हाथ में हो सकती है, कंपास बॉक्स ले लो, बेंचेस ले लो, कुछ भी ले लो, तो इसमें क्या है, डिफाइनाइट शेप
फाइनाइट वॉल्यूम, तो शेप भी उसका फिक्स्ड है, वॉल्यूम भी उसका फिक्स्ड है। चलिए, तो आंसर बहुत ही सिंपल हो गया इस क्वेश्चन का। लेट्स सी द नेक्स्ट वन नाउ। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जितने भी क्वेश्चंस है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर हैविंग सम और द अदर यू नो एनिमेशंस, तो इसी वजह से आपको जो क्वेश्चन है वो दिमाग में छप जाएंगे, तो आप बहुत ही इजीली आप आंसर कर पाओगे जब भी एग्ज़ाम होगी। तो चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। तो डाइवर होता है, सॉरी पहले तो ये डाइवर है, ड्राइवर नहीं है। डाइवर मतलब कि वो पर्सन की जो डाइविंग करता है, है ना। आपको पता होगा ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, देखा होगा आपने डीप सी डाइविंग, मतलब कि दरिया के अंदर जाके जो अंदर तैरते हैं लोग, उसको बोलते हैं डाइवर। ओके, तो वो वाटर को कट करके आगे बढ़ता है ना, तो वाटर को वो पीछे धकेलता है और खुद आगे जाता है, वाटर को पीछे करता है खुद आगे जाता है, ठीक है ना। ऐसा स्विमिंग पूल में भी होता है और ऐसा डीप सी डाइविंग में भी होता है, तो ऐसा क्यों होता है, विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पे आंसर है, द एबिलिटी ऑफ डाइवर टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल शोज दैट द मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो जो लिक्विड मैटर है हमारा, वो किससे बना हुआ है फ्रेंड्स, पार्टिकल्स से बना हुआ है ना। वो एक ही बड़ा पार्टिकल नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे लाखों करोड़ों पार्टिकल से वो बना हुआ है। तो जो पार्टिकल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो उसको उस कनेक्शन को हिला के, मतलब उस कनेक्शन को थोड़ा तोड़ के आगे हम जा सकते हैं। तो जो भी पार्टिकल है लिक्विड स्टेट के अंदर, ठीक है, उनको डिस्टर्ब करके, है ना, वो पार्टिकल्स डिस्टर्ब होते हैं जब भी डाइवर आगे बढ़ता है। तो चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट प्रोवाइड्स द बेस्ट एविडेंस अबाउट द रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर। तो पार्टिकल जो है उसका मोशन कैसा होता है, रैंडम होता है ना। ऐसा फिक्स नहीं है कि वेस्ट ही पार्टिकल जाएगा या ऊपर से नीचे ही जाएगा या नीचे से ऊपर ही जाएगा, कुछ फिक्स्ड नहीं है, है ना। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो कौन से मोशन में होते हैं, कौन सी स्पीड में होते हैं, रैंडम स्पीड में होते हैं, है ना। तो वो कौन सा मोशन है, तो यहाँ पे बोला जाता है डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन, दे आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट एविडेंस अबाउट द रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन द मैटर। तो आपको ऑलरेडी पता है, आपने एक्सपेरिमेंट्स भी किए होंगे या देखे होंगे, ऑलरेडी बुक्स में भी दिए गए हैं। तो कौन सा मोशन है, वो एक तो है डिफ्यूजन और दूसरा है ब्राउनियन मोशन। तो ये दो प्रूफ है, ये बेस्ट एविडेंस है किसके, रैंडम मोशन के। जो भी चीज़ें हैं, जो भी पार्टिकल्स का मोशन होता है, वो होता है रैंडम। इसीलिए वो किसके ऊपर से आप बोल सकते हो, डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन, इस दो चीज़ के ऊपर से आप उसको बोल सकते हो। चलिए अभी क्वेश्चन देखते हैं, डिफ्यूजन। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि लास्ट दो क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो आपको पूरा देखना है। तो यहाँ पे ये लास्ट दो क्वेश्चन में हम आ गए हैं कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। व्हाट इज़ डिफ्यूजन इज़ द क्वेश्चन, कि डिफ्यूजन बेसिकली होता क्या है। तो हमने अभी देखा है कि वाटर जो वो होता था, वो मिक्स होता था सल्फेट्स के साथ, तो वो डिफ्यूजन का पार्ट था। यू मस्ट बी रिमेंबरिंग कि एनिमेटेड डायग्राम भी दिया हुआ था वहाँ पे। तो डिफ्यूजन क्या है, दैट इज़ द क्वेश्चन। वेरी बेसिक एंड सिंपल क्वेश्चन, बट इम्पोर्टेंट एज वेल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसका आंसर। सो द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग टू सब्सटेंस ड्यू टू ब्राउनियन मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब कि दो सब्सटेंस को जब भी मिक्स किया जाता है, उसकी जो प्रोसेस होती है किसकी वजह से होती है, ब्राउनियन मोशन की वजह से होती है, ब्राउनियन मोशन ऑफ पार्टिकल्स की वजह से होती है, इट इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन, राइट। सो दिस प्रोसेस ऑफ ब्राउनियन मोशन बाई विच वी आर मिक्सिंग टू सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस को मिक्स करने की जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है डिफ्यूजन, राइट। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि हम NVN स्कूल के लिए सेपरेट बैच कर रहे हैं। तो अगर आप NVN में हैं, आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और सारे वीडियोज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेम द फिजिकल मैटर विच कैन बी ईजीली कंप्रेस्ड। ऐसा कौन सा फिजिकल मैटर है जिसको बहुत ही ईजीली कंप्रेस किया जा सकता है, राइट। तो ईजीली कंप्रेसिबल मैटर कौन सा है, हमने ये तीन स्टेट ऑफ मैटर्स देखे हैं, उसमें से कौन सा आइटम ऐसा मैटर है कि जिसको बहुत ही ईजीली कंप्रेस किया जा सकता है, दैट इज़ द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज सिंपल बट इम्पोर्टेंट एज वेल। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर।
तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, और आप बोल सकते हो कि कॉमन सेंस वाला आंसर है. सो आंसर इज़ गैस. सो गैस इज़ द स्टेट ऑफ मैटर विच इज़ हाईली कंप्रेसिबल. वो क्यों हाईली कंप्रेसिबल है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही जगह है, इसलिए उसको कंप्रेस किया जा सकता है और वो जगह को हटाया जा सकता है. तो उसको कंप्रेस करेंगे तो वो पार्टिकल्स जो है एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक आ जाएंगे. तो गैसियस सब्सटेंसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, उसको बहुत ही ज़्यादा लेवल पे कंप्रेस किया जा सकता है. दूसरे जो स्टेट ऑफ मैटर्स हैं उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता. यू ऑलरेडी नो इट, राइट? दैट इज़ द बेसिक. तो फ्रेंड्स विल कीप अप टू दिस मच फॉर टुडेज लेक्चर एंड टुडेज वीडियो. आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी क्वेश्चन. ऐसे कोई भी क्वेश्चन है कि जो आप पूछना चाहते हो या आपको समझ में नहीं आया, या ऐसे कोई भी दूसरे टॉपिक्स हैं दूसरे चैप्टर्स के, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बिल्कुल बता सकते हो. तो उसके ऊपर हम लोग वीडियो ज़रूर बनाएंगे और आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे. सो दैट्स इट फ्रॉम प्रोफेसर गौरव मेहता फ्रॉम लक्ष्य कोचिंग सेंटर. थैंक यू.